गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे लेवल टू प्रॉब्लम्स अलजेब्रा में। तो ये प्रॉब्लम्स मैं सिंगापुर सिलेबस से ले रही हूँ। हम देखेंगे पहली प्रॉब्लम। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बोडमास रूल यूज़ करना होगा। तो बोडमास रूल ये बोल रहा है लेफ़्ट टू राइट हमें डिवीजन हमें फोर्स करना है। तो ब्रैकेट तो यार नहीं है, तो नेक्स्ट प्रायोरिटी आएगा डिवीजन का। सो 15k/3 मतलब 5k आएगा। तो एक्सप्रेशन को हमें फिर से लिखे 35 + 8k - 25। तो अगर ऑपरेशन कर देते तो आएगा 5k + 5k - 1। अब जो भी लाइक टर्म्स है उन सबको हमें ऐड करना होगा। तो पहले मैं कॉन्स्टेंट्स देख रही हूँ। सो 35 - 25 = 10, 10 - 1 विच इज़ 9। ठीक है, सो 9। नेक्स्ट हमें ऐड करना होगा 8k + 5k। कॉन्स्टेंट टर्म्स तो हो गए थे, तो 8k + 5k आएगा 13k। तो वैल्यू है 9 + 13k। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ 36 + 2m/7 / 8m - 9/5। फाइंड m = 3। तो यहाँ पे m = 3 होता, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। तो इसे सिंप्लीफाई करने लिए हमारे पास कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो हम वैल्यू को डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करते हैं। तो 36 + 2m आएगा 6/7 / 8m मतलब 3 * 8 = 24 - 9/5। तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। लेफ्ट टू राइट हम डिवीजन पहले करेंगे। सो 36 + 6 होगा 42/7। सॉरी, यहाँ पे नीचे वैल्यूज नहीं दिख रहे। सो नेक्स्ट 24 - 9 = 15/5। लेकिन होप आपको समझ में आ जाती है। सो 42/7 मतलब 6 और 15/5 मतलब 3। तो ये हुआ है 6/3 आएगा। सो 6/3 मतलब आंसर हमारा है 2। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर m 3 होता है तो एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें आया है 2। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली प्रॉब्लम। तो हमारा अगली प्रॉब्लम है, तो मुझे पहले सेट करना था, फिर मैं आपको क्वेश्चन रीड करती हूँ। हाँ हाँ, सेट हो गया। सो बेंजामिन हैड $100। ही स्पेंट $35 ऑन ए पेयर ऑफ शूज। ही ऑल्सो बॉट 2 टी शर्ट्स दैट कॉस्ट $3 ईच। सो यहाँ पे जी वेरिएबल है। एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ मनी ही हैड लेफ्ट गिविंग योर आंसर इन टर्म्स ऑफ जी करना होगा। उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है, तो पहला जो भी इंफॉर्मेशन दिया था उसको हम डिक्रिप्ट करेंगे। सो बेंजामिन हैड कितना है, बेंजामिन के पास $100 है। ही हैड $100। ओके, ही स्पेंट $35 ऑन ए पेयर ऑफ शूज। तो उसने शूज़ के ऊपर कितना स्पेंड किया था, $35। ओके, सो ही ऑल्सो बॉट 2 टी शर्ट्स। तो उसने 2 टी शर्ट्स खरीदा था, तो एक टी शर्ट का कॉस्ट आया है $3। ओके, सो फिर 2 टी शर्ट्स का कॉस्ट कितना आता है, तो यहाँ पे 1 यूनिट का प्राइस दिया है, बट हम उसने ख़रीदा था 2 यूनिट्स मतलब 2 टी शर्ट्स खरीदा था। सो $3 + $3 = $6। तो इसको ये हमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 2 × 3 विच इज़ $6 जी। यहीं पे भी शायद आपको $6 नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर मैं ऊपर वैल्यू लिख दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, जो भी इसके पास अमाउंट है उसमें से ये सभी चीज़ें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो लेफ्ट ओवर अमाउंट कैसे आएगा, जो उसके पास था $100 माइनस पहला वो ने उसने शूज़ ख़रीदा था उसको सब्ट्रैक्ट करना था, फिर बाद में हमें टी शर्ट्स जो 2 ख़रीदा था उसका मनी सब्ट्रैक्ट करना था। सो $60। तो सभी वैल्यूज डॉलर्स पे है, तो हम इसको आराम से
सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, $100 माइनस 35 होगा $65, तो यहाँ पे माइनस $60, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है $65 माइनस 60 है हमारा आंसर, क्योंकि हमें जी वेरिएबल वैल्यू पता नहीं है तो इसीलिए हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही रख देंगे। अगला सवाल, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर्स, इट्स ब्रेथ इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे हमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो पहले हम देखते हैं जो डेटा दिया था उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है x सेंटीमीटर्स, तो ब्रेथ तो उसने डायरेक्ट नहीं दिया है, ब्रेथ को कंपेयर कर रहा है लेंथ से, तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ब्रेथ इज हाफ इट्स लेंथ, सो लेंथ में आधा ब्रेथ थे, मतलब अगर लेंथ x होता है तो उसका आधा क्या होता है x बाई 2 सेंटीमीटर्स। तो अब पेरीमीटर कैसा आएगा रेक्टेंगल का, सो इन सारी साइड्स को हमें ऐड करना होगा, उसी को ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो अगर फार्मूला में आप लिखे जाएंगे तो 2 ऑफ एल प्लस बी, राइट, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 साइड्स का लेंथ को हमें ऐड करना होगा, सो x प्लस एक्स 2x, एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। तो पहले हम एक्सप्रेशंस को लिखते हैं, या आप डायरेक्ट फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, सो लेंथ आएगा x, ब्रेथ आएगा x बाई 2, तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रही हूँ, x प्लस एक्स 2x, सो 2 हाफ को अगर आप ऐड करते हो तो x आएगा, तो सो 2x प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर, सो सभी यूनिट्स हमें सेंटीमीटर्स हैं, तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर्स में हमें आएगा। तो ये है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हम देखेंगे, तो पहले मैं यहाँ पे सेट करती हूँ, तो फिर आपको क्वेश्चन रीड करके बता देती हूँ। ए ग्रोसर बॉट 5W क्रेट्स ऑफ पीचेस, ईच क्रेट कंटेन 8 पीचेस, ही सोल्ड 3 क्रेट्स ऑफ पीचेस, फाइंड द नंबर ऑफ पीचेस ही हैड लेफ्ट इन टर्म्स ऑफ W। तो क्रोसर ने क्या किया था, 5W क्रेट्स, उसके पास पीचेस है, तो ईच क्रेट में कितने हैं, 8 पीचेस है, तो अगर एक क्रेट में 8 पीचेस होते तो 5W क्रेट्स में कितने पीचेस होंगे, तो 5W टाइम्स 8 पीचेस रहेंगे, यही तो कॉन्सेप्ट है ना, अगर एक बॉक्स में 2 डॉल्स रहते हैं तो 3 बॉक्सेस में कितने डॉल्स होते हैं, हम कैसे फाइंड करेंगे, 3 टाइम्स 2, तो वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पीचेस कैसे आएगा, जितने बॉक्सेस है उसके पास प्लस ईच बॉक्स में जितने पीचेस है, सो 5W टाइम्स 8, तो हमें आया है 40W, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं समझा रही हूँ, यहाँ पे बॉक्सेस है 1, 2, 3 सो ऑन 5W, तो ये W का वैल्यू कितना है हमें पता नहीं है, बट 5W क्रेट्स है, तो ईच केस में कितने पीचेस है, 8 पीचेस है, तो पूरे कितने हुए हैं, हमें रिपीटेड होने ऐड करना होगा, रिपीटेड ऐड मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं कर रही हूँ 5W टाइम्स 8 विच इज़ 40W पीचेस है, टोटल नंबर ऑफ पीचेस। तो उसने क्या किया, ही सोल्ड 3 क्रेट्स ऑफ पीचेस, सो 3 क्रेट्स को उसने बेच दिया, मतलब 3 टाइम्स ऑफ ईच क्रेट में कितने पीचेस है, 8 है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 24 पीचेस को उसने सोल्ड किया। अब लेफ्ट हुए वो कैसे आएगा, पूरे उसके पास जितने भी पीचेस है वो माइनस जितने वो सोल्ड किया था, तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा 40W माइनस जितने वो बेचा था, कितने बेचा था, 3 क्रेट्स, 3 मतलब एक क्रेट में कितना पीचेस है, 8, सो 3 टाइम्स 8 विच इज़ 24 पीचेस, तो 40W में से 24 पीचेस को हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे सोल्ड पीचेस मैं लिख रही हूँ, 3 टाइम्स 8, 24, तो इसका भी आपका आंसर नहीं दिख रहा होगा, सो आंसर होगा
40W - 24। तो ये एक्सप्रेशन ही होगा क्योंकि W को वैल्यू हमें पता नहीं है। सो ये है आज का क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। डोंट फॉरगेट, एज इज अ जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।